Assalamualaikum, welcome to my channel Cooking Made Easy. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इट्स वेरी एक्साइटिंग रेसिपी. सो या मैं आपके साथ पिज्ज़ा रेसिपी शेयर कर रही हूँ. इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए. 2 कप मैदा, 3/4 कप वाटर, 1/2 कप ऑफ वार्म मिल्क, 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट, उसके साथ साथ 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, एंड फाइनली ऑयल 4 to 5 टेबलस्पूंस. ये तमाम इंग्रेडिएंट्स यानी कि मैदा, दूध, पानी, इंस्टेंट ईस्ट, नमक, शुगर, सब चीज़ें डाल के आप अच्छे से नीट कर लें. फिर आप अपनी पिज्ज़ा डो को स्लिंग रैप से रैप करके 2 से 3 घंटों के लिए किसी भी वार्म प्लेस पर रख दें. आफ्टर 2 to 3 आवर्स पिज्ज़ा डो जो है काफ़ी अच्छी तरह से राइस हो जाएगी और फिर हम उसका पिज्ज़ा बनाना शुरू कर सकते हैं. दूसरी तरफ पिज्ज़ा फिलिंग बनाने के लिए मैं 500 ग्राम्स ऑफ चिकन यूज़ कर रही हूँ, जिसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ फाइनली चॉप्ड गार्लिक, 1 लार्ज अनियन फाइनली चॉप्ड, 2 बेल पेपर्स फाइनली चॉप्ड अगैन, एंड ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स ऑफ मशरूम्स अगैन फाइनली स्लाइस्ड. अलॉन्ग विद दैट हम यूज़ करेंगे हर्ब्स फॉर कुकिंग, oregano, parsley and provence herbs 1 teaspoon each, as well as salt as per taste, or you can use 1 teaspoon red chili powder and crushed red chili flakes 1 teaspoon each, oil 1/2 cup. After that aap ek pot le lein aur usme oil dale aur garlic bhi dal dein. garlic ko acche se roast aur brown hone den. ke baad aap chicken add kare and let the chicken cook until uska color white ho jaye. Add onions, mushrooms, bell peppers and all the spices as mentioned. Pizza बनाने के लिए आप pizza dough में से एक portion लें और उसे अच्छे से आप flat कर लें. आप चाहें तो rolling pin भी use कर सकते हैं. अब हम अपने baking pan को जो almost 3 inches in size है अच्छे से oil या butter से grease कर लेंगे and then you're gonna layer it with parchment paper. पिज्ज़ा बेस को आप उसमें अच्छी तरह से फिट कर दें, यू कैन यूज़ योर फिंगर्स. आप अपनी पिज्ज़ा बेस के ऊपर पिज्ज़ा सॉस डालें और उसे अच्छी तरह से पूरे पिज्ज़ा पे स्प्रेड कर दें. ऐड द चिकन फिलिंग जो हमने प्रिपेयर की है और उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें. देन फाइनली ऐड मोज़रेला एंड चेडर चीज़ एंड स्प्रेड इट ऑल ओवर योर पिज्ज़ा. हम अपने पिज्ज़ा को ओवन में डाल देंगे जो कि ऑलरेडी 190 डिग्रीज पर प्री हीटेड है और फिर हम उसे बेक कर लेंगे 25 टू 30 मिनट्स के लिए एंड योर पिज्जा इज रेडी. होप यू लाइक माय रेसिपी. काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.